एयरलाइन स्पाइसजेट ने बताया कि मौसम संबंधी रडार के काम न करने की वजह से उसका एक मालवाहक विमान मंगलवार को कोलकाता लौट आया। चीन के चोंकिंग शहर जा रहे विमान के पायलट को उड़ान भरने के बाद ही पता चल गया था कि मौसम संबंधी रडार काम नहीं कर रहा है। मामले में DGCA ने पिछले 18 दिन में 8 खराबी की घटनाएं के बाद स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी का पिछले 18 दिन में सामने आया यह 8वां मामला है। स्पाइसजेट के दिल्ली से दुबई जा रहे एक विमान को ईंधन संकेतन में खराबी के कारण मंगलवार को कराची की ओर मोड़ दिया गया था। वहीं उसके कांडला से मुंबई जा रहे विमान को बीच हवा में विंडशील्ड में दरार आने के बाद महाराष्ट्र की राजधानी में प्राथमिकता के आधार पर उतारा गया था। स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, 5 जुलाई 2022 को स्पाइसजेट बोइंग 737 मालवाहक विमान को कोलकाता से चोंकिंग जाना था। विमान के उड़ान भरने के बाद मौसम संबंधी रडार मौसम की जानकारी नहीं दे रहा था। इसके बाद PCIC ने कोलकाता लौटने का फैसला किया। विमान कोलकाता में सुरक्षित उतारा गया है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।